हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम टू आरएस व्लॉग। पिछली बार हमने एक दो साल पहले टाटा इंडिका का फ्रंट बम्पर मॉडिफिकेशन पे एक वीडियो डाला था, तो उस वीडियो के कमेंट्स हमको बहुत आए। बम्पर कैसे बना है, बम्पर कहाँ पे मिलता है और बम्पर का प्राइस कितना है। तो इस बार हम उस पर एक पहले के ओल्ड फोटोज थे उस पर एक वीडियो बना रहे हैं, आप देख सकते हो। तो हमारा पहले इंडिका ऐसे दिखता था, तो हमने क्या किया, उसको नीचे से जो नंबर प्लेट के नीचे से करेक्ट मार्किंग करके उसको बम्पर को कट कर दिए ग्राइंडर से। कट करने के बाद आपको 2014 और 15 में स्विफ्ट डिजायर 2 वाला बम्पर मिलता है। स्क्रैप में आपको कहीं पे भी मिल जाएगा 200 300 400 500 रुपए में, नियरेस्ट आपके पास स्क्रैप कहीं पे भी हो वहीं पे मिल सकता है। तो वैसे ही सेम उसको मार्क करके हमने उस बम्पर को भी कट करके वो बम्पर को बाहर निकाल के जो PUP का स्क्रू होता है ब्लैक वाला, वो स्क्रू से पहले हम बम्पर को प्रॉपर फिटिंग करें। प्रॉपर फिटिंग करने के बाद देखिए, आप देख सकते हो, प्रॉपर फिटिंग करने के बाद जो पीछे से हम उसको फाइबर वेल्डिंग करने के बाद ये प्रॉपर हमारा बम्पर अटैच हो गया। उसके बाद हम काम शुरू किए पुट्टी के ऊपर। पुट्टी का काम प्रॉपर फिनिश करने के बाद जो उसका लोअर ग्रिल होता है और फोगलैम का साइड का कवर होता है उसको बटाने के बाद, प्रॉपर फिटिंग आने के बाद हमने इसका काम किया पेंट जॉब के ऊपर। पेंट जॉब स्टार्ट होने के बाद देख सकते हो आप, अब पेंटिंग शुरू हो गया था। पेंटिंग पूरा कंप्लीट होने के बाद हमको तो बहुत खुशी हो रही थी कि इंडिका का मॉडल ही पूरा सामने से चेंज हो गया था, तो एक नई बात दिख रही थी इसके ऊपर। आप साइड से भी देख सकते हो, कॉर्नर पे करेक्ट फिटिंग आ गया था, आप भी देख के कर सकते हो। कहीं पे भी आपके नियरेस्ट में बॉडी बिल्डर होता है जो बॉडी का काम करता है कार का, उसके पास जाके ये काम करवा सकते हो। अगर आपको आइडिया है इसके ऊपर, थोड़ा आपको कुछ काम आता है बोले तो आप भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छी दिखेगी गाड़ी इसके ऊपर, आप देख सकते हो फ्रंट से भी लुक इसका कैसे आ रहा है। और वो जो लेफ्ट साइड हो गया था ये देखिए, राइट साइड में भी करेक्ट फिटिंग आ गया था। करेक्ट फिटिंग आने के बाद हमने काम किया इसके ऊपर बाद में बॉडी पॉलिश का। बॉडी पॉलिश खत्म होने के बाद हमने इसके हेडलेट ओपन करके अंदर से ब्लैक और ऊपर ग्लास के ऊपर इसके जो बॉर्डर आता है उधर सिल्वर कलर कर दिए। कलर करने के बाद हमारा लगभग पूरा पोलो वाला फीलिंग आ रहा था फ्रंट से, तो हमने अल्टियो पॉलिश में इसका एक एप्लीकेशन डाला था कलर चेंजिंग का। वो कलर चेंजिंग का ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बाद हमने फिर से अपनी कार के ऊपर नया पेंट कर दिया रेड कलर में। रेड कलर में पेंट करने के बाद देखिए आप कितना अच्छा दिख रहा था हमारा पेंट। तो हमने इसको अंदर से एंड्रॉयड सिस्टम और स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल, फ्लोर मैटिंग और सीट कवर सभी इंस्टॉल कर दिए। सभी इंस्टॉल करने के बाद हमारी कार का लुक तो अंदर से इंटीरियर में प्रॉपर फिनिश आ रहा था, और आप देख सकते हो रेड कलर हमारा बाहर से कितना सुंदर और कितना अच्छा दिख रहा था। तो हमने इसके सामने और एक दो HJG के फोग लैंप भी इंस्टॉल कर दिए, और फोग लैंप जो हमारा LED आता है वो भी इंस्टॉल कर दिए। और पीछे हमने इसके मोनोग्राम जो आते हैं टाटा और टाटा इंडिका V2 वाला और LS, उसको हमने ब्लैक पेंट कर दिया। और ब्लैक पेंट करने के बाद जो पीछे स्पॉइलर आता है इसका स्पोर्ट्स वाला, और इसके जो टेल लैंप आते हैं उसको स्मोक ब्लैक, और इसके व्हील कैप हमने किया सेल्टॉस मॉडल वाले भर दिए। तो हमारे पास और एक पेंट जॉब आया था ओल्ड वरना वाला। ओल्ड वरना में हमने क्या किया, उसको 2021 और 20 में आता है हमारा स्विफ्ट का जो बम्पर आता है नीचे वाला, हमने उसको इसमें फिटिंग कर दिए। देखिए आप वरना का पूरा लुक ही चेंज हुआ। जो टाइप 1 वरना आती है हमारी, ये पर्सनली मेरी यूजिंग कार थी, मैंने इसको भी सेल कर दिया है। और अगर आपको कोई भी कार का बम्पर मॉडिफिकेशन करना है तो मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।